फ्रेंड्स वेलकम टू देसी तड़का विद अमिता तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्योंकि होली आने वाली है तो मैंने सोचा कुछ होली की डिश सिखाई जाए तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाशनी वाली गुंजिया वो भी दो डिफरेंट वेज़ में दो डिफरेंट स्टफिंग के साथ और दो डिफरेंट शेप में तो अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर ढाई ग्राम मैदा और ये मैदा में मैं एक बीच में एक गड्ढा बना लूँगी और इसमें मैं डालूँगी पचास ग्राम के करीब घी हाँ प्योर घी हमें लेना है इसी से टेस्ट अच्छा आएगा अपनी गुंजिया में और इसको डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी मैदा के अंदर और ये देखिए मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ और अब ये देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हम मुट्ठी बांध के देख रहे हैं तो ये मुट्ठी बंद रही है टूट नहीं रही है इसका मतलब हमारा मोइन सही है और अगर ये मुट्ठी आपकी टूटती है तो थोड़ा सा घी ऑयल जो भी आपने डाला है वो आप और डाल लीजिए और अब इसको हल्के हल्के पानी से मैं इसका एक डो तैयार करूँगी तो हमें इसका एक मीडियम डो तैयार करना है ना सॉफ़्ट ना ज़्यादा हार्ड तो देखिए ये हमारा डो रेडी हो गया ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है अभी ये इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए इस तरीके का डो हमें लगाना है और अब इसको हम फिफ्टीन मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो ये डो हमारा रेडी है और हम इसको फिफ्टीन मिनट्स रेस्ट करने के लिए रख देंगे और अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे तो ये मैंने गैस पर पैन रख दिया है और इसमें हमें दो तरीके की स्टफिंग बनानी है तो सबसे पहले मैंने इसमें टू टेबल स्पून के करीब सूजी ली है और इस सूजी को हमें रोस्ट करना है और अब इस सूजी को हमें लाइट पिंक ही रोस्ट करना है ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको हमें दो से तीन मिनट हार्डली लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें रोस्ट करना है जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है और अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो देखिए ये मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली सूजी और अब इसमें हम इसी सेम पैन में हम मावा भुनेंगे तो ढाई सौ ग्राम हमारी मैदा थी तो मैंने दो सौ ग्राम के करीब मावा लिया है और इसको मैं क्रम्बल करके इसमें डाल दूँगी और इस मावा को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना कलर चेंज होने तक हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये देखिए इसमें मावा ने घी छोड़ दिया है और अभी ये सारा मावा सिमट के एक साथ आ जाएगा तब हम समझेंगे हमारा मावा भुन भुन चुका है ये देखिए हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये देखिए मावा सारा जुड़ के एक साथ आ गया अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें दो तरीके की स्टफिंग रेडी करनी है तो ये देखिए हाफ़ पार्ट इसका लेके मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी और ये जो मावा है इसमें मैं कोकोनट का जो बुरादा आता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है तो मैंने घर में रेडी किया है तो टू टेबल स्पून कोकोनट बुरादा मैंने इसमें डाल दिया कोकोनट पाउडर और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम इन दोनों चीज़ों को भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वन टू टू, टू मिनट्स अच्छे से बस मिक्स हो ये तब तक ही रोस्ट करना है और इसमें मैं अब टू टेबल स्पून के करीब नट्स डाल रही हूँ ये चॉप्ड नट, नट्स हैं काजू बादाम और किशमिश आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें आपको जो पसंद हो चिरौंजी पिस्ता कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वन फोर्थ कर, टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ये देखिए वन फोर टी स्पून इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह हमारी एक स्टफिंग तो रेडी हो गई है इसको हम प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी जब इसमें हम तगार बूरा या पिसी हुई चीनी जो भी आपको मिक्स करनी है ठंडा होने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हम गरम मिक्स कर देंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी उसमें अब हम दूसरी स्टफिंग रेडी कर रहे हैं तो इसमें मैंने जो मैंने मावा निकाल के रखा था वो डाल दिया और जो मैंने सूजी भून के रखी थी वो डाल दी और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इन दोनों चीज़ों में अब ये मैं टू टेबल स्पून के करीब नट्स डाल रही हूँ और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक दो मिनट तक ही इसको रोस्ट करना है ज़्यादा इसको नहीं हमें भूनना है क्योंकि ये पहले से हमारा रेडी है हम सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए और इसमें मैं अब डालूँगी वन फोर टी के करीब इलायची पाउडर इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इलायची पाउडर से तो देखिए ये भी हमारी स्टफिंग रेडी है हम एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको भी आप ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम चाशनी बनाते हैं तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें मैं करीब 400 ग्राम चीनी मैंने नाप के ली है 400 ग्राम चीनी के चीनी लूँगी चाशनी के लिए और इसमें मैं डेढ़ कप कर, के करीब पानी डालूँगी ये फ्रेंड्स मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा तब भी आपकी जो गुंजिया है परफेक्ट बनेगी और इसको डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है इसमें चलाते रहना है जब तक कि चीनी घुले ना और ये देखिए धीरे धीरे चीनी घुलनी स्टार्ट हो गई है और अब देखिए इसमें एक बॉयल आ गया और जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ आ जा जाती हैं झाक के रूप में उसको हम निकाल देंगे और हमें चाशनी बिल्कुल पतली रेडी करनी है एक तार के दो तार की चाशनी रेडी नहीं करनी अभी हम प्लेट में चेक करके मैं आपको बताऊंगी तो ये मैंने आठ से दस आ, केसर के धागे डाले हैं ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट और एक फ्रेगरेंस आती है और ये क्रश्ड uh, दाने हैं इलायची के मैंने इनको पीसा नहीं है पाउडर नहीं बनाया क्रश्ड दाने हैं क्योंकि जब मैं गुंजिया इसमें डालूंगी तो इसके ऊपर गुंजिया के ऊपर चिपक भी जाएंगे और इसका टेस्ट भी आएगा गुंजिया में तो बहुत अच्छे लगते हैं तो ये देखिए चाशनी हमारी रेडी है इसको हम एक प्लेट में चेक करेंगे तो मैंने दो तीन ड्रॉप्स चिपका और ठंडा होने के बाद ये दो, दो, दोनों उंगलियों के बीच में देखूंगी अगर ये चिपक रही है दोनों उंगलियों के बीच में तो ये हमारी चाशनी रेडी है और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम मैदा की तरफ आते हैं तो ये मैदा ने भी रेस्ट कर लिया है और इसको मैं छोटे छुट छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी छोटे छोटे पेड़े बना दूंगी इसके गुंजिया के लिए और इतनी मैदा में आपकी दस से बारह गुंजिया बन के रेडी हो जाएंगी फ्रेंड्स तो ये देखिए मैंने ये सारे पार्ट्स डिवाइड कर लिए अब हम गुंजिया बेल के तैयार करेंगे और सबसे पहले हम जो स्टफिंग हमारी अब ठंडी हो चुकी है तो इसमें हम पिसी हुई चीनी या तगार या बुरा कुछ भी मिला सकते हैं तो ये जैसे 200 ग्राम करीब खोआ था 200 ग्राम मावा था तो मैंने 50 ग्राम के करीब तगार इसमें मिलाई है तो मैंने क्योंकि दो स्टफ़िंग रेडी की हैं उसी से तो मैंने 25 ग्राम एक स्टफ़िंग में डाली और 25 ग्राम दूसरी स्टफिंग में तगार डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं और अभी अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए इस तरीके से दबा दबा के उसको जिससे कि पूरा जो स्टफिंग है एक सार हो जाए अब हम गुंजिया बेलेंगे तो गुंजिया भी आ, जो हमें पूरी बेलनी है गुंजिया बनाने के लिए तो वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए साइड से भी बीच में से भी ऐसा नहीं हो साइड से पतली रह जाए बीच में से मोटी रह जाए बिल्कुल एक जैसी बेलनी चाहिए जैसे हम पूरी बेलते हैं तभी हमारी गुंजिया अच्छी बनेगी तो इसको आ, मैंने बेल लिया है पूरी को और इसमें मैं दो टेबल स्पून स्टफिंग रख रही हूँ और अब मैं इसको एक तरफ़ से पानी लगाऊंगी इसके ऊपर और पानी लगाने के बाद मैं इसको चिपका दूंगी दूसरी साइड से और ये देखिए मैंने इसको चिपका दिया है अच्छे से और अब इसको हम गुंजिया की शेप में फोल्ड करेंगे तो देखिए बहुत इजी है कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आप ए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको आ जाएगा ये देखिए साइड से हमें प्रेस करना है फिर फोल्ड करना है फिर प्रेस करना है फिर फोल्ड करना है अगेन इसी को हम फॉलो करते जाएंगे तो ये देखिए हमारी जो ये गुंजिया है वो गुंजिया की जो हमारी फोल्डिंग है वो अच्छे से हो रही है और देखिए रेडी है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस तो ये हमारी वन टाइप की गुंजिया रेडी हुई है इसको हम कपड़े से ढक के रखेंगे जिससे ये पपड़ा नहीं जाए अब हम दूसरी टाइप की जो हमारी गोल वाली गुंजी आती है वो हम रेडी करेंगे तो ये दो पार्ट में बनेगी इसके लिए हम दो पेड़े लेंगे और हम दो पूरी बेलेंगे और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मोटाई किस तरीके की रखनी चाहिए पूरी की तो ये हमने एक पूरी बेल ली है और कहीं कहीं पे इसको आगरा में या यूपी की साइड इसको पिडाकड़ी भी कहते हैं ये गोल वाली गुंजिया को अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं जैसे खाने की चीज़ों के तो वही अब ये देखिए दो मैंने पूरी बेल ली है और अब इसमें मैं स्टफिंग भरूंगी तो देखिए मैंने एक पार्ट ले लिया है और इसमें मैं ये दूसरी वाली जो स्टफिंग थी मेरी वो मैं फिल कर रही हूँ जो कोकोनट पाउडर वाली स्टफिंग थी टू टेबल स्पून मैंने स्टफिंग इसमें रखी और इसके चारों तरफ मैं पानी लगा दूँगी और पानी लगाने के बाद जो दूसरा पार्ट था हमारा उसको ऊपर से कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं उसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी और पेस्ट करने के बाद अगेन वही स्टेप हमें फ़ॉलो करना है जो हमने लंबी वाली गुंजिया क्लिक किया था किसी भी साइड से हम पकड़ेंगे और उसकी साइड को हम प्रेस करेंगे फिर फोल्ड करेंगे फिर प्रेस करेंगे फिर फोल्ड करेंगे यही हमें स्टेप फॉलो करना है और ये बहुत इजीली हो जाता है देखने में थोड़ा टफ़ लगता है वैसे कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस की बात है सब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा और ये देखिए हमारी गुंजिया रेडी है इसको हम अभी ढक कर रख देंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारी गुंजिया रेडी करेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार देखिए पूरी का साइज कैसा होना चाहिए देखो इतनी मोटाई होनी चाहिए साइड से और अब दोबारा हम फिल कर रहे हैं गुंजिया को इसी तरीके से हम अपनी सारी गुंजिया रेडी कर लेंगे ये देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से वो स्टेप दिखा देती हूँ इसको हमें पेस्ट करना है फिर इसको हमें फोल्ड करना है साइड से एक साइड लेंगे उसको प्रेस करेंगे फिर फोल्ड करेंगे ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे इसी स्टेप को तो हमारी गुंजिया रेडी हो जाएगी फोल्डेड फॉर्म में ये देखिए अब हम ऑयल गरम करेंगे तो ये मैंने देसी घी लिया है मैं आपको प्रेफर करूँगी आप देसी घी में बनाइए तो आपकी गुंजिया बहुत टेस्टी बनेगी नहीं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं तो हमें जो ऑयल गरम करना है वो हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल गरम करना है जैसे मैंने एक पीस डाला मैदा का तो वो नीचे ही नीचे तैर रहा है ऊपर नहीं आया इसका मतलब बहुत लो हमारा जो घी है वो गर्म है लो फ्लेम पर हमें गर्म करना है बिल्कुल आ, मतलब तेज़ नहीं होना चाहिए घी हमारा बहुत Uh, कम गरम होना चाहिए उसी में हम अपनी गुंजिया तलेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें अपनी गुंजिया तलनी है क्योंकि अब अगर हम हाई uh, फ्लेम uh, पे तलेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और इसको हमें पलट पलट के तलना है ये देखिए ऐसे पलट पलट के धीरे धीरे केयरफुली हम इसको पलटेंगे और हमें लो फ्लेम पर ही इसको तलना है अगर आपको बीच में लगता है बहुत लो हो गई फ्लेम तो आप मीडियम कर करिए लेकिन हाई मत करिएगा फ्लेम और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो गुंजिया में ऊपर ऊपर बबल्स भी आ जाएंगे और गुंजिया आपकी अच्छी नहीं बनेगी अंदर से कच्ची रह जाएगी वो और देखिए इस आ, लाइट पिंक कलर की गुंजिया हमारी बन के रेडी होनी चाहिए तो इसमें हार्डली फ्राइंग होने में टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लगते हैं और ये देखिए गुंजिया हमारी बिल्कुल सिक के रेडी है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे कितना प्यारा इसका कलर और टेक्सचर आया है आप देख सकते हैं और इसी तरीके से हम सारी अपनी गुंजिया रेडी कर लेंगे ये देखिए कितना प्यारा कलर और टेक्सचर इसका आया है और इसको अब हम दो तीन मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे फिर हमारी चाशनी भी अब ठंडी हो चुकी है गुनगुनी चाशनी है ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए इसमें हम अपनी अब गुंजिया जो है वो डिप करेंगे और ये देखिए अब मैं गुंजिया इसमें डिप कर रही हूँ और अंदर तक हम डिप कर देंगे इसमें जिससे अच्छे से चाशनी पी ले गुंजिया और फाइव टू सिक्स मिनट्स इसमें हम चाशनी में डिप करे रखेंगे गुंजिया को और ये जो देखिए मेरा जो बचा था स्टफिंग वो मैं एक कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी इसे मैं छः से सात दिन में यूज़ कर सकती हूँ नेक्स्ट टाइम गुंजिया बनाने के लिए अब ये देखिए पाँच से छः पाँच से छः मिनट हो गए गुंजिया भी हमारे अच्छे से चाशनी पी ली है इसको हम निकाल लेंगे निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा जो शुगर सिरप या चाशनी है वो निकल जाए और आपकी गुंजिया आ, बिल्कुल आ, अच्छी रहे मतलब आ, करारी रहे तो देखिए सारी जो बची हुई जो शुगर सिरप था वो निकल गया और हमारी गुंजिया बिल्कुल रेडी है सर्विंग करने के लिए देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इसको हम गार्निश करेंगे इस पिस्ते के कतरन से तो देखिए लग रही है ना कितनी प्यारी और टैमटिंग और आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा मैं आपसे श्योरली कहती हूँ आपको ज़रूर तारीफ़ मिलेगी और बहुत टेस्टी बनती है ये तो देखिए हमारी गुंजिया रेडी है तो देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारी चाशनी वाली दो तरीके की स्टफिंग की गुंजिया और बहुत ही टेस्टी बनती है ये आप बना के जरूर देखेगा तो ये रेसिपी